नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में यूनिट संख्या फिफ्थ, यूनिट संख्या फाइव का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अपना चैप्टर है वित्तीय बाज़ार, पूंजी बाज़ार, फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछता है कि वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार के वर्गीकरण से पहले हम वित्तीय बाजार के बारे में जानना चाहेंगे कि वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था या व्यवस्था या संगठन है जिसमें वित्तीय बाजारों का अर्थ ऐसे बाजार या संस्थाओं से लगाया गया है जो वित्तीय उत्पादों, बचत या विनियोग की सुविधा प्रदान की जाती हो। वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं एवं निवेशकर्ताओं के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। सामान्यतः वित्तीय संस्थान के लिए कोई भी संस्थान निर्धारण नहीं होता है, जहां कहीं भी वित्तीय गतिविधियां होती हैं उसे वित्तीय बाजार कहा जा गया है। विस्तृत रूप से हम कह सकते हैं कि वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है जहाँ वित्तीय संपत्तियों के क्रय विक्रय किया जाता है, वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों के सृजन स्थानांतरण का अवसर प्रदान करती है। इन बाजारों के निवेशकर्ता और उधार प्राप्तकर्ताओं के लेन देन सुविधाजनक बनाने हेतु एक वित्तीय मध्यस्थ कार्यरत होते हैं। वित्तीय बाजार के हम कार्यों की बात करें तो वित्तीय बाजार के अतिरिक्त कोष रखने, कोषों की व्यवस्था रखने और लोगों के किसी मध्यस्थ के रूप में अपना कोष स्थानांतरित करने अहम भूमिका रहती है। ये बाजार वित्तीय संपत्तियों के सृजन और स्थानांतरण का अवसर भी प्रदान करते हैं। वित्तीय बाजारों में संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और विक्रय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। वित्तीय बाजार में वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु जो सुविधाएं निगम और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, व्यक्ति, सरकार, संगठित विनिमय केंद्र आदि द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजारों के वर्गीकरण को हम इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, एक तो संगठित बाजार और एक असंगठित या गैर संगठित बाजार। संगठित बाजार, दूसरा है गैर संगठित बाजार या असंगठित बाजार। संगठित बाजार में मुख्यतया एक महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वित हो पाता है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ नियमन का नियंत्रण होता है, सेबी का नियंत्रण होता है। असंगठित बाजार के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण नहीं होता है। संगठित बाजार को हम पुनः बांटें, जिसमें पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार सम्मिलित है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। पूंजी बाजार वह बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है वो पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, वो मुद्रा बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में अंश सम्मिलित हैं, समता अंश प्रेफरेंस शेयर को शामिल किया गया है। इसी प्रकार पूंजी बाजार में औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, सरकारी प्रतिभूति और दीर्घकालीन ऋण बाजारों को शामिल किया गया है। तो पूंजी बाजार में हम बात करें तो पहला है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार,
औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, सेकंड है सरकारी प्रतिभूति बाजार, और थर्ड है दीर्घकालीन ऋण बाजार। मुद्रा बाजार में जो मैंने आपको बताया अल्पकालीन प्रतिभूतियों को शामिल किया गया है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को दो भागों में पुनः परिभाषित किया गया है, जिसमें प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार का रूप माना गया है। प्राथमिक बाजार प्राथमिक स्तर की गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। द्वितीयक बाजार को पूंजी बाजार के रूप में भी क्रियान्वित किया गया है। अब हम चर्चा करें दीर्घकालीन ऋण बाजार की। दीर्घकालीन ऋण बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बाजार मुद्रा बाजार को शामिल किया गया है, जिसमें मार्केट ऑफ मॉर्गेज एंड मार्केट ऑफ फाइनेंशियल गारंटीज को शामिल किया गया है। अब हम बात करें असंगठित बाजार की। असंगठित बाजार वह बाजार है जिसका नियमन नियंत्रण सेबी और रिजर्व बैंक के रूल्स रेगुलेशन के तहत नहीं हो पाता है। तो उसमें आते हैं साहूकार, महाजन, देसी बैंकर। साहूकार, महाजन और देसी बैंकर गैर संगठित बाजार में सम्मिलित होते हैं, जिसमें मुख्यतया देसी बैंकर सेठ साहूकार महाजन से जब हम रकम लेते हैं तो इसमें ब्याज की दर बहुत ही अधिक होती है। वो असंगठित बाजार की श्रेणी में आते हैं, जिसमें पहला है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट सम्मिलित है। वाणिज्यिक बिल बाजार, वाणिज्यिक बिल बाजार को शामिल किया गया है। खजाना बिल बाजार को सम्मिलित किया गया है। खजाना बिल बाजार और अल्पकालीन ऋण बाजार। ये असंगठित बाजार की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बाजारों के वर्गीकरण, बाजार वित्तीय बाजार के कौन से कार्य हैं और वित्तीय बाजार किसे कहते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। वित्तीय बाजारों के वर्गीकरण में हम जैसे हमने अध्ययन किया संगठित बाजार और असंगठित बाजार। संगठित बाजार में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को क्रियान्वित किया गया, जबकि असंगठित बाजार में देसी बैंकर सेठ साहूकार महाजनों को शामिल किया गया। पूंजी बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हुआ है, जिसमें मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया गया है। ये इस बाजारों की रूपरेखाओं में सम्मिलित हैं, जिसमें हमने असंगठित बाजार में कॉल मनी मार्केट, वाणिज्यिक बिल बाजार, खजाना बिल बाजार, वाणिज्यिक बिल बाजार अल्पकालीन बाजारों के रूप में क्रियान्वित या उनको हम समझे हैं कि किस प्रकार से बाजारों के वर्गीकरण में किसी मध्यस्थ या संस्थाओं के माध्यम से अपनी राशि को विनियोजित या विनियोग कर सकते हैं। तो ये हमने बाजार के वर्गीकरण के बारे में, संगठित और असंगठित बाजार की संरचना के बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से वित्तीय बाजार सही तरीके से क्रियान्वित एवं गतिशील होते हैं, किस प्रकार से वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण किया गया है। तो हमने वित्तीय बाजारों के वर्गीकरण में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूंजी बाजार किसे कहते हैं और पूंजी बाजार की कौन कौन सी संरचनाएं हैं और पूंजी बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि संगठित बाजार का हमने रूप देखा पूंजी बाजार, उसी क्रम में हम पूंजी बाजार में हम पढ़ेंगे कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का जब क्रय विक्रय किया जाता है और पूंजी बाजार की जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से क्रियान्वित
होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पूंजी बाजार में संगठित बाजार, असंगठित बाजारों के बारे में चर्चा करेंगे, संगठित बाजार में स्टॉक एक्सचेंज व अंश पूंजी बाजार, ऋण पूंजी बाजार और वित्तीय बाजारों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें समता अंश, पूर्वाधिकारी अंशों को हम शामिल करेंगे, सरकारी ऋण पूंजी बाजार में सरकारी बंध पत्र और कंपनी निगम के ऋण पत्रों को शामिल करेंगे, वित्तीय बाजार में IFCI, IDBI, SIDBI, LIC म्यूचुअल फंडों के बारे में हम चर्चा करेंगे, असंगठित बाजार में देसी बैंकर, सेठ, साहूकार, महाजनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और पूंजी बाजार के उपकरणों में हम कंपनी की प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, उपभोक्ताओं को ऋण, व्यावसायिक ऋण, विदेशी बंध या अन्य ऋण उपकरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, पूंजी बाजार की क्या संरचना है और पूंजी बाजार के कौन कौन से उपकरण है। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।